जम्मू कश्मीर में सक्रिय अलगाववादियों के तंत्र को नष्ट करने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने प्रमुख अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर बैन लगा दिया है। अनंतनाग में काडीपोरा में रहने वाले शबीर अहमद शाह कश्मीर के सबसे पुराने अलगाववादियों में से एक हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन शबीर अहमद शाह आतंकी फंडिंग मामले में वर्ष 2017 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें लगता है सरकार ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी असल में दोबारा चुनाव आने से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए कराई है। वो लंबे समय से भाजपा सरकार की आंखों में खड़क रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत है जो बेदाग है। रजौरी के थाना मंडी की नीली चौकी स्थित सैन्य शिविर में मेजर रैंक के अधिकारी की ओर से की गई गोलीबारी व ग्रेनेड धमाके में 3 अधिकारी समेत 5 सैन्यकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शूटिंग अभ्यास के दौरान बिना उकसावे के अपने सहयोगियों पर गोली चला दी और एम्युनिशन डंप में जा छिपे। कमांडिंग ऑफिसर व अन्य अधिकारियों ने मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसने अंदर से हैंड ग्रेनेड दाग दिए जिसमें 3 अधिकारी घायल हो गए। 1 अधिकारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी मेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर वॉर दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने एक्स अकाउंट पर राहुल गांधी का पोस्टर साझा किया है जिसमें उन्हें नए युग का रावण दिखाया गया है। अब अपने भाई के बचाव में प्रियंका गांधी वाड्रा आ गई है। वो जमकर बीजेपी पर भड़की। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर हिंदी में ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा कि वो राजनीति को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में रोहिंग्या महिला को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। एसएसपी खलील पोसवाल ने बताया कि रोहिंग्या महिला को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना एक गंभीर मामला है। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि कहीं अन्य लोगों को तो इस तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। श्रीनगर में यौन पीड़न शील भंग करने और ऑनलाइन पीछा करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लगभग कुछ हफ्तों बाद प्रशासन ने कॉरपोरेटर मोहम्मद आकिब रेंजू के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज कर उसे जम्मू के कोट बलवाल जेल भेज दिया है। सीआईएसएफ के लिए चुने गए पगमुला के रतन सिंह और भारतीय सेना की आरआर द्वारा तैयार रामबन जिले के एसएससी जीडी के माध्यम से बीएसएफ के लिए चुने गए नरथल्याल के आत्म सिंह का सपना सच हो गया, जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास कर लिया और जल्द सीएपीएफ में शामिल होने वाले हैं। भारतीय सेना पोस्ट द्वारा सरकारी भर्ती योजनाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें रामबन जिले के दूरदराज के इलाकों से प्रेरित युवाओं की पहचान की गई और उन्हें 6 महीने के लिए बनिहाल में भर्ती से पहले प्रशिक्षण व रिटन एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग दी गई। भारतीय सेना ने दोनों सफल उम्मीदवारों को सम्मानित किया। भाजपा नेता और डीडीसी सदस्य सुरेश शर्मा ने विधानसभा छम के ब्लॉक मैरामंदिया की पंचायत नरड़ी के लोगों की बहुत पुरानी मांग को पूरा करते हुए NRDWP के अंतर्गत पीने के पानी की नई परियोजना का लोकार्पण किया। अक्सर यहां पीने के पानी की गंभीर समस्या रहती है। इस परियोजना से अन्य क्षेत्रों को भी पानी की किल्लत से निजात मिलेगी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत नरड़ी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 नए ट्यूबवेल का निर्माण किया जाएगा जिससे पंचायत के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। आयुष्मान भव अभियान के तहत गांधी जयंती के अवसर पर बनिहाल के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में ग्राम सभाएं आयोजित की गयी। ये शिविर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित किया गया था जिसमें सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जहीर अब्बास उपस्थित रहे।
वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य केवल लोगों को स्वास्थ्य की चल रही योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। शहीद विजय कुमार शर्मा के 21वीं शहीदी दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शहीद विजय कुमार अमर रहे के नारे लगे। इस मौके पर सेना के अधिकारी, शहीद विजय कुमार के परिजन, बड़ी संख्या में लोग, साहिल महाराज उपस्थित थे। शहीद विजय कुमार शर्मा 8 जैक राइफल में थे और 2002 में थन्ना मंडी रजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। वहीं इस मौके पर उनकी पत्नी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके पति देश के लिए शहीद हुए। वहीं साहिल महाराज ने कहा कि जोड़िया की धरती शूर वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। इस क्षेत्र में 80% युवा सेना व अन्य सुरक्षा बलों में शामिल होकर देश की सेवा कर रहे हैं।